तो दोस्तों ये आलू दम दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। सर्दियों में नए आलू से बना गर्मा गर्म आलू दम सभी को पसंद होते हैं, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नए आलू से बना हुआ आलू दम की रेसिपी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू दम बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1/2 kg आलू। इसे अच्छे से साफ करके कुकर में 2 सीटी लगा लिया है। नए आलू को पकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले इसे थोड़ा उबाल लें। और हमने लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, इसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 बड़े साइज का टोमेटो, थोड़ा सा अदरक, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, धनिया पत्ता और हरा मटर। दोस्तों मसाले के लिए सबसे पहले हम टोमेटो का पेस्ट बना लेंगे, और अदरक लहसुन प्याज और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च का एक अलग से पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों हमने टोमेटो और अदरक लहसुन मिर्च और प्याज का पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा प्याज बचा के रखा है आगे के लिए। इसके साथ हमें कुछ और मसाले डालने हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई, और गैस के फ्लेम को अब ऑन करके इसे थोड़ा देर तक गर्म कर लेंगे। कढ़ाई अब अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब डाल देते हैं 1/2 टेबलस्पून जीरा। जीरा चटकने लगा है, साथ में ही डाल देते हैं 3 तेज़पत्ता और प्याज जो हमने बचा के रखा था। प्याज को अब थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब डाल देंगे मसालों के पेस्ट को। थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। फिर अब डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी। थोड़ा सा इसे फिर से चला लेते हैं। कलर के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी थोड़ा फिर से चला लेते हैं। और अब डाल देंगे टोमेटो के पेस्ट को। अब मसालों को हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं, और दोस्तों अब इसमें हम डाल देंगे शाही गरम मसाला। इससे यह आलू दम बहुत ही टेस्टी हो जाता है, और साथ में बहुत बढ़िया स्मेल भी आता है। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। अब इसमें हरे मटर को भी ऐड कर देंगे। मसाले अब अच्छे से पक चुके हैं, और तेल भी ऊपर आ चुका है मसालों से। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चीनी। किसी भी सब्जी में अगर थोड़ा सा चीनी डाल दिया जाए तो वह बहुत ही टेस्टी हो जाती है, तो चीनी थोड़ा सा ज़रूर डालें। सभी मसाले पड़ चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया सा स्मेल भी आ रहा है। और अब इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू को। थोड़ा देर तक अब इसे चलाते रहना है, ताकि मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। दोस्तों नए आलू को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे बनाने से पहले थोड़ा सा उबाल लें, तो ये बहुत जल्दी पक भी जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। ग्रेवी आपको जितना गाढ़ा या पतला चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, लेकिन यह नया आलू है इसलिए हम इसमें थोड़ा कम पानी डाल रहे हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ग्रेवी के लिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब इसे 20 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकने देंगे। दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं, और अब आलू को चेक कर लेते हैं। वाह, कितना बढ़िया कलर आया है, और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। आलू भी परफेक्टली कुक हो चुके हैं। आलू दम हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और अब इसमें मिला देंगे हरे हरे धनिया के पत्ते।
आलू दम हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों, आप भी इसी तरह से सर्दियों में गर्मा गर्म आलू दम को बनाकर जरूर खाएं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और हाँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। हम ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज लाते रहते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दोस्तों मैं तो इसे अब जा रही हूँ खाने, और आप भी बनाकर ज़रूर खाओ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।